समर नाइट फेस सीरम बॉडी सीरम बनाने की रेसिपी फ्लैक्स सीड से आज मैं आपको बता रही हूँ। और हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो। इसमें मैं 400 ml वाटर लिया है मैंने एक पैन में सॉस पैन में, और इसमें 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड डालकर इसको ओवरनाइट भिगो दिया था, और मॉर्निंग में मैं इसको बॉयल कर रही हूँ। और उबलते उबलते मीडियम लो पे इसको उबालना है, और जब ये 1/3 रह जाए तब इसको हम छलनी में से छान लेंगे। अब देखिए ये उबाल अच्छी तरह से आ चुका है, और अब इसकी गैस हम बंद कर देंगे, और थोड़ा ठंडा हो जाने पर इसको छलनी में से छानेंगे। लेकिन छलनी में पूरी तरह नहीं छनेगा, फिर इसको मुस्लिन कपड़ा लेकर मलमल का कपड़ा लेकर उसमें इसको छानेंगे, और इसका जो गाढ़ा सा पदार्थ जो है वो हम उसी में ही निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये जो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल जो निकल रहा है इसमें से, ये हमें चाहिए सीरम बनाने के लिए। फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज जो हैं वो उबल चुके हैं, और इनमें से ऐसा गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है जो बॉडी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से हम इसको निचोड़ कर अच्छी तरह से दबा कर निचोड़ लेंगे, और पूरा इसमें से रस गाढ़ा गाढ़ा निकाल लेंगे। फिर इसको मिक्सर में डालकर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसको हम एक बाउल में एक कटोरी में कोई 5-6 चम्मच ले लेंगे। 5-6 चम्मच ये फ्लैक्स सीड्स का जो रस निकला है जूस निकला है ये ले लेंगे। इसको हम एनरिच करेंगे अब समर नाइट के हिसाब से, क्योंकि गर्मियों में हमें लगाना है। उसके लिए हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हो गया और ये दूसरा हो गया। 2 टेबल स्पून हम इसमें अच्छी तरह से एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही हम 1/2 या 3/4 आलमंड ऑयल डालेंगे, स्वीट आलमंड ऑयल। इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ऐसे स्टर करते हुए। अलसी का बीज थोड़ा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, थोड़ा मुश्किल से मिक्स होता है, तो लेकिन पेशेंस रखें आप, इस तरह से बनाएं। अब ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, बिल्कुल सीरम की फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल सीरम की तरह बन गया है, जिसको पूरी नाइट लगाकर हम बॉडी पे रात को सो भी सकते हैं। हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, गर्दन पे लगाएंगे तो सुबह जो उठेंगे तो स्किन बहुत ही बढ़िया, बहुत स्मूथ दिखेगी, नरिश होगा। और अब ये जो सीरम बन चुका है, मैं इसको इस छोटी शीशी में, कांच की शीशी में इसको भर रही हूँ, और भर के फ्रिज में रख दूँगी। ये कोई 8-10 दिनों के लिए ये चल जाएगा, फ्रिज में रखा हुआ ख़राब नहीं होगा। और ये इतना बढ़िया है कि इसको अगर स्किन पे लगाएंगे तो स्किन की चमक जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, ग्लो करेगी। इस तरह से मैंने ये इसको शीशी में भर लिया है, और बाकी ये जो बचा है इसको मैं हाथ पे लेके अपने हैंड्स पे ही मसाज कर लूँगी, अप्लाई कर लूँगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया आया है, कितनी अच्छी चमक आई है। इस तरह से आप धीरे धीरे करके थोड़ी देर मसाज कर लें, 2-3 मिनट के लिए, दोनों हाथों पर कर लीजिए, फेस पर कर लीजिए, पूरे बॉडी पर भी कर सकते हैं आप यहाँ। और बाकी जो बचा है वो मैं इसको शीशी में भर के रख रही हूँ, इसकी फिर किसी और रेसिपी में यूज़ कर लूँगी इसको मैं। इस तरह से ये बना है फ्लैक्स सीड का सिरप, और सीरम जो है वो मैंने हाथों पे लगा कर है दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से इतनी चमक आई है, और वॉश करने के बाद अब देखिएगा कितने गोरे हाथ लग रहे हैं। और इसके बाद इसमें आलमंड ऑयल से मैं थोड़ी सी मसाज कर लूँगी। तो ये था बॉडी सीरम, पूरे बॉडी पे लगाकर सो सकते हैं, बिल्कुल चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, और ना ही इसको अनकंफर्टेबल लगाने से फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहता है, पूरी रात इसको लगाकर सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया ग्लो आया है हाथों में।
इसी तरह से फेस पे भी आएगा, अपने पूरे बॉडी पे भी इसी तरह से आएगा। तो ये थी हमारी फ्लैक्स सीड बॉडी सीरम। और इसके लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय, थैंक यू।